नमस्कार दोस्तों गुरु जी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास उसका जो पार्ट सेवन है उसकी आज पढ़ेंगे और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस पार्ट सिक्स में अपन ने पढ़ा था महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था ओनली और जो पार्ट सेवन है उसमें अपन पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के बारे में तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया सपोर्ट नहीं किया तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हो ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं महाराणा अमर सिंह फैस से स्टार्ट करते हैं इसका जो शासन काल था वो था पंद्रह से लेकर सोलह ईस्वी सो तक इसका जन्म हुआ था वो वो हुआ था सोलह मार्च पंद्रह सो ईस्वी को चलिए इसकी बात कर लेते हैं इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो तो हुआ था चौंड में ठीक है और इसने युवराज काल में ही अनेक मुगलों के विरुद्ध अभियानों में भाग लिया था कि मैंने मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप के साथ इसने जो मुगल अभियान था दिवेर का युद्ध था पंद्रह में हुआ था और उसमें इसने मतलब बाल्यकाल में ही इसने युवावस्था में ही इसने भाग लेना स्टार्ट कर दिया था और इन्हें शासन बनने के बाद पुनः मुगल आक्रमण का बहुत सारा सामना करना पड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं कि पंद्रह में शहजादा सलीम जहांगीर का आक्रमण इसको सहना करना पड़ा सोलह सो में परवेज आसिफ खां और जफर बेग सागर इनका सबका आक्रमण का सामना इन्होंने किया 1608 सो में महावद खां का 1609 सो में अब्दुल्ला का ये सब इन्होंने किया जो इंपॉर्टेंट बात है वो अब अब बात करेंगे जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसकी बात करेंगे डिटेल से आठ नंबर तो सोलह ईस्वी की बात है जहांगीर इस महाराणा अमर सिंह को अधीन करने के लिए कहाँ आप पहुंचा अजमेर और यहां पर इसने सारी रणनीति बनाई और रणनीति बनाकर जो शहजादा खुर्रम था जिसको शाहजहां बोलते हैं अपन शाहजहां को उस मेवाड़ के जो मेवाड़ अभियान का अभियान का नेतृत्व है इनको सौंपा किसको सौंपा शाहजहां को उसके बाद में ये शाहजहां यहाँ से बड़ी सेना लेकर कहाँ पर आ टपका मेवाड़ की तरफ बढ़ा ठीक है मेवाड़ की तरफ ये बढ़ गया और उसने मेवाड़ में क्या की लूटमार की और मेवाड़ में क्या हो गया अकाल की स्थिति पैदा हो गई उस अकाल की स्थिति के कारण जो मेवाड़ के सामंत थे जो सरदार थे उन्होंने अब युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया और इन अमर सिंह के बाद में एक नए शासक आएगा कुंवर करण सिंह उस टाइम ये कुंवर थे तो कुंवर करण सिंह को कुंवर करण सिंह की सहायता से जो मेवाड़ी जो मेवाड़ सरदार थे उन्होंने इस राणा को मेवाड़ मुगल संधि के लिए राजी किया तो कुंवर कहीं ना कहीं करण सिंह को अपने पक्ष में किया था सरदारों ने और फिर ये ये संधि हो पाई थी और सरदारों के दबाव के आगे अमर सिंह को झुकना पड़ा था अमर सिंह भी साहब झुकने वाले में से नहीं थे महाराणा प्रताप अमर सिंह और उदय सिंह थे ये तीनों बहुत अच्छे शासक थे लेकिन अमर सिंह अंतिम समय में जाकर झुक गए थे क्योंकि अकाल और भारी विपदा की स्थिति पैदा हो गई थी मेवाड़ में क्योंकि मेवाड़ युद्ध पर युद्ध युद्ध युद पर युद्ध देखता ही जा रहा था इसकी वजह से इसको संधि करनी पड़ी और सोलह सौ ईस्वी की बात है मेवाड़ मुगल संधि संपन्न हुई तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेवाड़ मुगल संधि कब संपन्न हुई तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखें ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस संधि में जो तीन प्रमुख तीन प्रमुख बातें निकल के सामने आई वो थी एक तो महाराणा वो बादशाह के दरबार में कभी भी उपस्थित नहीं होगा उपस्थित नहीं होगा ठीक है और दूसरी जो बात निकल के आएगी वो थी जेस्ट कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा यानी कि जो कुंवर होगा वो शाही दरबार में उपस्थित होगा ठीक है और तीसरी बात जो निकल के आएगी वो थी कि चित्तौड़गे किले की मरम्मत नहीं की जाएगी मरम्मत नहीं की जाएगी ठीक है इस प्रकार मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया यहाँ पर और साहब जो आदमी जो आदमी जमीन जिसका जमीर हो उसका जमीर झकझोरित हो जाए तो वो आदमी ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाएगा और इसी वजह से जो अमर सिंह थे इस संधि के कारण इनको आतंकलानी हुई और 26 जनवरी 1620 सौ ईस्वी की बात है आहड़ में इनकी मृत्यु हो गई और ये एकमात्र जो प्रथम शासक थे मेवाड़ के जिसकी आहड़ में समाधि है ठीक है आहड़ में समाधि तो ये थी अमर सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी अब उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक की बात करेंगे मैंने अभी आपको बताया था कि कुंवर करण सिंह की मध्यस्थता के चलते ये मेवाड़ मुगल शाधि संपन्न हुई थी तो नेक्स्ट शासक मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि महाराणा करण सिंह और इसका जो शासन काल की बात कर लेते हैं सोलह सो बीस से लेकर सोलह सो अट्ठाईस ईस्वी तक इसने शासन किया था मेवाड़ का पहला शासक था जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा और जिसके लिए राणा की पदवी का फरमान भी मुगल दरबार से भेजा गया ये, ये महाराणा करण सिंह था यह पहला शासक था जो कि अपने जो राजा बनने से पहले ही कहां पर चला गया था शासक बनने से पहले ही मुगल दरबार में चला गया था इस शर्त का पालन करते हुए ये जो मैंने सेकंड शर्त बताई थी जो कुंवर था कुंवर होगा वो महाराणा के दरबार में उपस्थित होगा और जो शासक बनेगा वो उपस्थित नहीं होगा और मरम्मत नहीं करा ये तीनों शर्तें थी और इस शर्त का पालन करते हुए ये जा टपका था मुगल दरबार में तो ये पहला शासक था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था और 1600 सो जो 15 की मेवाड़ मुगल संधि थी उसमें इसकी अहम भूमिका थी चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं जब खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया तब इनकी सहायता ही की थी और ये मेवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों की आंतरिक व्यवस्था में रुचि दिखाई थी यानी ये मुगलों की जो अंदरूनी जो बातें थी उसकी उसमें ये रुचि लेते थे और उनकी अंदरूनी राजनीति में ये रुचि दिखाई थी और साहब इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है सोलह सौ सो अट्ठाईस ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी चलिए अब नेक्स्ट शासक की बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है इनका पुत्र था जो करण सिंह थे करण सिंह का एक पुत्र था महाराजा जगत सिंह फर्स्ट इन्होंने शासन किया था साहब सोलह सो, से लेकर सोलह ईस्वी सो को दोस्तों इसने क्या कराया था जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर की अपन डिटेल से बात करेंगे जगन्नाथ राय मंदिर इस मंदिर में इस मंदिर की रचना जो कहां पर इस मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई गई ठीक है एक तो ये चीज आप ध्यान रखना एक तो ये और इसका जो रचना थी वो किसने की थी रचना की थी कृष्ण भट्ट ने ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन बनते हैं और इसका जो वास्तुकार था वो था भाणा और उसका एक पुत्र था मुकुंद और ये जो जो मंदिर है वो पंचायत शैली में बनाया है कि कौन सी शैली है पंचायत शैली तो ये पांचों क्वेश्चन ये जो भी है चारों क्वेश्चन बनते हैं ये जगन्नाथ प्रशस्ति लगवाई गई कृष्ण भट्ट ने इसकी रचना की वास्तुकार भाणा और मुकुंद था और पंचायतन शैली का ये मंदिर है उसके बाद में धाई माँ नुजुबाई धाई माँ का मंदिर इसने निर्माण करवाया तो ये यह आप ध्यान रख लेना इतना है का मंदिर उसके बाद में इनका जो स्वर्गवास होता है वो सोलह सौ बावन ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो जाता है और उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है जगत सिंह का ही पुत्र होता है महाराणा जय राज सिंह ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप इस चीज को ध्यान से पढ़ना महाराणा राज सिंह का शासन काल था वो था सोलह सो से लेकर सोलह ठीक सो है अब इसके बारे में बात करेंगे शासन संभालते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य अब जहां पर वो जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसमें ये शर्त रखी थी कि चित्तौड़ का जो मरम्मत का कार्य है वो आप करवा नहीं सकते लेकिन साहब महाराणा राज सिंह ने क्या किया वो मरम्मत का कार्य चालू करवा दिया अब मरम्मत का कार्य चालू करवा दिया तो वहां पर जो मुगल दरबार में जो शासक होगा उसको गुस्सा आएगा और यही हुआ था गुस्सा आया और जो इसने क्या किया जो कार्य पूरा करने का मरम्मत का कार्य पूरा करने निश्चित किया लेकिन मुग़ल सम्राट सम्राट था उस टाइम शायद औरंगजेब था और औरंगजेब ने सेना भेजकर कर यह काम रुकवा दिया क्योंकि मेवाड़ मुगल संधि में जो, जो 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 बात थी वो एक शर्त इन एक थी ठीक है उत्तराधिकार युद्ध में इसने क्या किया था दारा और जो औरंगजेब था उनमें से किसी का साथ नहीं दिया था दारा और, और औरंगजेब का किसी का भी साथ नहीं दिया था मतलब ये नहीं तो इधर था नहीं दे था। इसको पता था इसका साथ दूंगा तो भी चीज आप बिल्कुल औरंगजेब ने सोलह सो उसी में जजियाकर लगाया गया था, था हिंदुओं पर और मूर्ति तुड़वाने आदि अत्याचारों का राज सिंह ने प्रबल विरोध किया था यानी एक तो जजियाकर का विरोध किया था और एक वो जो मूर्ति तुड़वाते हैं उनका इसने राज सिंह ने प्रबल विरोध किया था और साहब इनकी मृत्यु हो गई थी सोलह सो में इनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन इनकी जो अनेक रचनाएं थी अनेक प्रकार के इनके जो जिन जिन, जिन भवनों का इन्होंने कराया था उनके बारे में बात कर लेते हैं पहले मैं बात करूंगा अकाल प्रबंधन का एक उद्देश्य से इसने क्या किया था गोमती नदी का पानी रोका था ठीक है अकाल पड़ा था उस टाइम और अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से इसने गोमती नदी का पानी रोककर किस झील का निर्माण करवाया था राजसमंद झील का तो साहब ये ये क्वेश्चन है है से निकल कर आता राजसमंद झील निर्माण करता कौन है वो था राज सिंह चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं कि झील के जो उत्तरी किनारा है वहां पर एक नोचौकी की पाल है और नोचौकी की पाल पर उसने क्या स्थापित किया था राज प्रशस्ति ठीक है Osionfish. और ये नामक शिलालेख इसने स्थापित किया था और ये जो शिलालेख है इसकी अपनी विशेषताओं की बात करेंगे विशेषताओं की बात कर लेते हैं ये शिलालेख है वो है संस्कृत भाषा में लिखा अपन जब शिलालेख की बात करेंगे तब मैं उस टाइम आपको प्रशस्ति और शिलालेख पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बास संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें ये पच्चीस काले संगमर शिलाओं पर खुदी हुई है इसमें ये जो शिलालेख प्रशस्ति है ये पच्चीस जो काले संगमर्र है उन पर खुदी हुई है ठीक है और ये दूसरी बार निकल के सामने आ गई और इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है ये 25 काले संग, पर खुदा हुआ है इसी आधार पर इसको क्या कहा जाता है संसार का सबसे बड़ा वो शिलालेख आ जाता है ठीक है ये मैंने आपको बता दिया उसके बाद मैं आपको बता देता हूं इसकी जो रचना की थी राज प्रशस्ति की रचना की थी रण छोड़ तेलंग ने यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप चीज को संभाल के रखिएगा ये संजोकर रखिएगा कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ये क्वेश्चन टकराएगा रणछोड़ बट तेलंग ने इसकी रचना की थी उसके बाद में बात कर लेते हैं राज प्रशस्ति मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास और इसमें क्या क्या मिलता है अपने को इसमें यह मिलता है कि राज प्रशस्ति में अपने को मिलता है कि मेवाड़ का जो प्रमाणिक इतिहास है वो अपने को यहां से जानने का मिलता है और एक दूसरी बात निकलकर यहाँ से सामने वो आती है कि जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी सोलह सौ पंद्रह ईस्वी में और वो इसमें से निकल कर आती है इन दोनों बातों की जानकारी अपने को कहां से प्राप्त होती है राज प्रशस्ति के अंदर ठीक है उसके बाद में इसने कुछ खास नहीं किया था लेकिन उनकी बात कर लेते हैं उसने किया था अंबिका माता का मंदिर निर्माण करवाया था ये अंबिका माता का मंदिर निर्माण इसने करवाया था उदयपुर में ठीक है उसके अलावा इसने दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बनाई थी उनकी बात कर लेते हैं उनकी बात में कर... श्रीनाथ जी, जी का मंदिर बनवाया था इसने वो नाथ द्वारा में स्थित है श्रीनाथ जी का मंदिर श्रीनाथ जी और ये है सिहाड़ और सियाड़ पड़ता है साहब नाथ द्वारा वर्तमान में ये कहां पर है नाथ द्वारा में चलिए उसके बाद में इसके इसने करवाया था द्वारकाधीश दुर... दुर... द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित की थी इसने और ये कहां पर किया था कांकरोली कांकरोली अभी कहा है यह है राजसमंद में प्रति और ये जो सिरनाथ की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति ये कौन लेकर आए थे एक थे दामोदर जी महाराज वो लेकर आए थे और इसने लाने के बाद में उनको स्थापित किया था चलिए इन दोनों की बात हो गई उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएगा उसकी बात करेंगे और नेक्स्ट शासक है महाराणा जय सिंह कौन है महाराणा जयसिंह अब इसकी बात कर लेते हैं इन्होंने शासन किया था सोलह सो से लेकर सोलह सो अट्ठानवे तक चलिए इनके समय में मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था और मेवाड़ की जो स्थिति स्थिति थी वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी और इन्होंने क्या किया था उसी को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि भाई साहब राज सिंह ने इन्होंने मरम्मत कार्य स्टार्ट किया तो फिर मेवाड़ों और मुग़लों के बीच में वापस तनातनी पैदा हो गई थी और उसकी वजह से इन्होंने जो मेवाड़ की जो बदलती बिगड़ती स्थिति थी उसको मद्देनजर रखते हुए इसने क्या कर ली वापस चौबीस जून सोलह सौ सो इक्यासी को वापिस संधि कर ली और इसके शासनकाल में एक कुछ खास ये हुआ था कि गोमती और गोमती रूपा रेल आदि नदियों को एक दो नदियाँ और थी झामरी और बगार ये नदियाँ थीं इनको पानी को रोककर इसने क्या किया था जयसेमंद झील का निर्माण करवाया था ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है जयसेमंद झील का निर्माण स्टार्ट किया और इस झील को क्या नाम दिया गया है डेबर झील जब झीलों की बात करेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि शासक की बात हो रही है तो जिसने करवाया था उसकी बात कर लेते हैं और जो इसमें कहते हैं कि इसमें जो बड़ा टापू है उसको बाबा जी का भांगड़ा और छोटा टापू को प्यारी कहते हैं ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ते हैं घसीट रहे हैं इनकी सुनो को बाकी पूछा नहीं जाता बाबा जी का भांगड़ा ये बड़ा टापू और छोटा टापू का नाम है स्मॉल प्यारी और बाबा जी का वांगड़ा ठीक है अब इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएगा उसकी बात करेंगे अपन महाराणा अमर सिंह सेकंड अमर सिंह फर्स्ट की बात है अपने स्टार्टिंग में की थी अब बात कर लेते हैं अमर सिंह सेकंड की सोलह सौ अट्ठानबे से लेकर सत्रह सौ की बात है और इसकी जो पुत्री थी एक नाम था चंद्रकवरी इनके शासनकाल में भी कुछ खास नहीं हुआ था लेकिन इनकी बात करते चंद्रकवरी इनका नाम था और इसका जो विवाह किया गया था चंद्रकंवरी का वो किसके साथ किया गया था जयपुर का शासक था सुई जय सिंह के साथ ठीक है इसके शासनकाल में ये हुआ था और बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और इसने महाराणा किसका साथ दिया था महाराणा अमर सिंह ने किसका साथ दिया था महाराणा अमर सिंह ने साथ दिया था मोहज्जम का और ये मुयज्जम ही आगे चलकर कहाँ किस नाम से शासक बना था बहादुर शाह फेस्ट के नाम से ये मैंने आपको जस्ट लिटिल जानकारी दे दी बाकी कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं चलिए जो आगे के शासक है उसको नेक्स्ट वीडियो में समाप्ति करेंगे अपन मेवाड़ का शासक जो आठवां पार्ट आएगा उसमें समाप्त हो जाएगा चलिए दोस्तों तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और आसपास सफाई बनाए रखें दोस्तों धन्यवाद